पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुख्यमंत्री द्वारा लवारिस पशुओं को पकड़कर आश्रय स्थल में रखे जाने के आदेशों को मुरादाबाद प्रशासन दरकिनार किए हुए हैं। मुरादाबाद में लवारिस गौवंशीय जानवर शहर की सड़कों पर खुलेआम घूम रहे हैं और कूड़ा घरों पर कूड़ा कचरा खाते दिखाई दे रहे हैं। नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त का इस मामले में अपना ही तर्क है कि अभी जगह चिन्हित की गई है, जल्द ही आश्रय स्थल का निर्माण कराकर अभियान चलाया जाएगा क्योंकि इस सब में समय लगता है। मुरादाबाद में अभी भी भीड़भाड़ वाले इलाकों की सड़कों पर गौवंशीय लवारिस हालत में घूम रहे हैं और कूड़े घरों पर कूड़ा खा रहे हैं। मुख्यमंत्री के आदेश पर भी मुरादाबाद में अधिकारियों द्वारा कोई अभियान नहीं चलाया गया है, जबकि 10 जनवरी तक का समय दिया गया था। इस पूरे मामले पर सहायक नगर आयुक्त का कहना है कि अभी जगह चिन्हित की गई है, जल्द ही अभियान चलाया जाएगा। 10 जनवरी की डेडलाइन पर जवाब देते हुए कहा है कि इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता, जगह चिन्हित कर ली गई है, जल्द ही आश्रय स्थल का निर्माण कराकर त्वरित गति से अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए हम लोगों ने एक टीम का गठन किया गया है और जगह चिन्हित कर ली गई मैनेटहर में। वहाँ पर जो इस तरह के आवारा पशु हैं, वहाँ जो चिन्हित की गई जगह स्थान पर इनको वहाँ पर आश्रय स्थल में रख दिया जाएगा। कहाँ पर चिन्हित की गई ये मैनेटहर जगह है? मैनेटहर में कुछ निर्धारित समय कब तक शुरू हो जाएगा ये? अभी चिन्हित की है, जमीन मिली है, उसका जल्दी से इसका निर्माण करके उसके बाद इसमें लगातार अभियान चलाकर नगर निगम में जो इस तरह के आवारा पशु हैं उस तरह के वहाँ पर उनको आश्रय देने के लिए वहाँ पर रखा जाएगा। कोई टीम अभी बनाई गई है? हाँ, टीम बना दी गई है। सर, सरकार की तरफ से डेडलाइन 10 तारीख तक की थी, कुछ देर नहीं हो गई मुरादाबाद के लिए? नहीं, इसमें देखिए टाइम टेकिंग होती है ये सब व्यवस्था, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एकदम से इसको निर्माण करने के लिए जो मिनिमम टाइम है उसका, कि अभी हमारे नगर आयुक्त भी नहीं थे, तो इसलिए चिन्हित अब क्या गया है तो आप इसको त्वरित गति से इस काम में कर दिया जाए, यानी कि लोगों को आवारा पशुओं से जल्दी मुक्ति मिल जाए। हाँ, आवारा जल्दी मुक्ति मिल जाए।